हमने लेटर एल से लेके लेटर पी तक सारे लेटर सीख लिए, राइट? तो आज हम उन सारे लेटर्स का रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी इंग्लिश की सीडब्ल्यू बुक निकालनी है, देन ओपन योर बुक पेज नंबर 16 एंड पेज नंबर 17। आज हम ये दोनों पेज एक साथ करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको भी मेरे साथ ये वर्क करना है, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके दोनों पेज में ऐसे आपको लाइंस दी है, राइट? तो आपको सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है लेटर एल, और इसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे एल, लेटर एन, लेटर एन, लेटर ओ एंड लेटर पी। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लेटर एल। तो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, कैपिटल लेटर एल, ओके? एंड बाजू में यहाँ पे स्मॉल लेटर है। तो स्मॉल लेटर कैसे होता है? सिर्फ स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया स्मॉल लेटर एल। एंड एल फॉर कैपिटल
एंड देन यहां पे स्मॉल लेटर ओ. सो ओ ओ ऑक्स, ओ ओ ऑक्स. चलो ना, उसके बाद यहां पे लास्ट हमने सीखा लेटर पी. तो यहां पे हम करेंगे कैपिटल लेटर पी और उसके बाजू में हम करेंगे स्मॉल लेटर पी. सो पी फॉर प प पेंगुइन. चलो अभी आपने इतनी लाइन मेरे साथ की स्टूडेंट्स, आपको इसके नीचे की लाइन बिल्कुल इसी तरह से बोलते बोलते लिखनी है. ओके, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश की एच डब्ल्यू बुक निकालनी है और ओपन योर बुक पेज नंबर 16 एंड 17 जो हमने अभी सी डब्ल्यू में किया, राइट, वही सेम आपका एच डब्ल्यू